स्टूडेंट चलते हैं लैंग्वेज फोकस वन की तरफ. यू हैव टू डू द फर्स्ट टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फोकस एंड दीज आर द टू क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू वर्ड्स लैंग्वेज फोकस वन फ्रॉम वर्कबुक. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड क्वेश्चन नंबर टू. अब चलिए स्टूडेंट बुक के लास्ट पेजेस की तरफ. 154 पेज है और यू हैव टू लर्न अबाउट लैंग्वेज फोकस वन, लैंग्वेज फोकस टू. लैंग्वेज फोकस वन के क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री एंड द लैंग्वेज फोकस टू का क्वेश्चन नंबर फोर. ओके, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. लैंग्वेज फोकस टू फंक्शन ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस आपको मैंने वीडियो अपलोड की थी और आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यू हैव टू मेक दी सेंटेंसेज लाइक दिस सब्जेक्ट. ठीक है, उसके फौरन बाद आपने वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाना है, बस और कुछ नहीं करना अगर आपने सिंपल पास्ट टेंसेस को लिखना है. सेकेंडली, जब आपसे टू बी की बात की जाएगी लाइक इन क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्लीट द टेक्स्ट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टू बी, तो यू हैव टू राइट डाउन टू बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है सो यू हैव टू राइट वर, एंड अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यू आर गोइंग टू राइट वॉज. ओनली वॉज और वर का इस्तेमाल चलेगा, बस और कुछ नहीं करना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना. लेकिन अगर आपसे सिंपल अगर पास की बात की जा रही है सो यू हैव टू एड ई डी एट द एंड ऑफ द वर्ब्स. ओके, सो मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन, टू एंड थ्री, ऑल्सो फोर फ्रॉम द पेज ऑफ लैंग्वेज फोकस टू सिंपल पास्ट टेंसेस. चलिए रिव्यू फोकस की तरफ चलते हैं. लैंग्वेज फोकस रिव्यू में क्वेश्चन नंबर टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन नंबर टू एज वेल. चलते हैं चैप्टर टू के लैंग्वेज फोकस वन कंपाउंड नाउन प्लूरल फॉर्म्स की तरफ. यू हैव टू एड जस्ट एस ई एस एट द एंड ऑफ द ईच कंपाउंड नाउन जब इसको प्लूरल करना है आपने. ठीक है, सो यू हैव टू डन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन. और नेचुरल टर्म्स जो है ना क्वेश्चन नंबर टू की, वो आपने ज़रूर पढ़ के जानी है. ठीक है, कि हस्बैंड वाइफ और सपोज पार्टनर, तो इसको हम नेचुरल टर्म्स में किस तरह बुलाते हैं स्पेसिफिक टर्म्स को, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जस्ट क्या करना है कि आपको एस ऐड करना है. और आपके टीचर्स ने ये करवाया होगा, मेरे पास इस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं था, मैंने बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट पर ये अपलोड कर रही हूँ. अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, ये ज़रूर आएगी, इसको अच्छे से याद करना है. अगेन यहाँ पर आपने एस ऐड करना है और मुझे उम्मीद है कि टीचर्स ने आपको ज़रूर करवाया. बच्चों मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और बहुत सारे काम हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट के ऊपर बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं ये अपलोड कर रही हूँ, इसको अच्छे से कीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर वन, टू और थ्री आर मस्ट. ओके, अब लैंग्वेज फोकस वन जो आपके बैक ऑफ योर स्टूडेंट बुक मौजूद हैं, ठीक है, लाइक पेज नंबर 155 पर 56 और 5 सॉरी, तो इसको ज़रूर कीजिएगा. कंपाउंड नाउंस को, ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, बच्चों वाला काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. फर्स्ट सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है इनको देखकर लग रहा है आपको, लेकिन है बहुत आसान. सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर और फिर जुरांच वाला जो है ना नेक्स्ट लैंग्वेज फोकस टू फ्रॉम चैप्टर टू, उसकी पिक्चर्स जो है मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गई हैं और आई डोंट हैव बुक विद मी राइट नाउ, सो मैं उसको अपलोड नहीं कर रही. बट यू हैव टू रीड दैट लैंग्वेज फोकस एज वेल और उसको ज़रूर याद कीजिएगा, वो भी बहुत आसान है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा. इतना मुश्किल पेपर नहीं है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक माई चिल्ड्रंस, इंशाल्लाह ताला यू विल गॉट ए प्लस ग्रेड्स इन योर सी पी 2023 सेप्टेम्बर. ओके, बखूब ख्याल रखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह ने के बाद.